हेलो। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। बताइए, वॉइस ओके है? आवाज़ आ रही है क्या मेरी? जल्दी से बताएं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एडवर्ब सेशन 3, ठीक है। एडवर्ब फर्स्ट, एडवर्ब टू हम लोगों ने कर लिया। एडवर्ब फर्स्ट में हमने एडवर्ब के टाइप्स पढ़े थे। एडवर्ब टू में हमने बेसिक जो एडवर्ब के बारे में, जैसे इन्वर्जन है या जो क्वेश्चंस मोस्टली एडवर्ब की पोजीशन पे आते हैं, वो सब हमने करे। उसके बाद हम लोग आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहाँ पर बहुत ज्यादा जो एडवर्ब्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं जिन पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि माइनर डिफरेंस होते हैं। जैसे लेट लेटली वाला हमने करा था, हार्ड हार्डली वाला हमने करा था। ऐसे कुछ एडवर्ब्स जिन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो आज हम लोग करने वाले हैं ना। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं जी मोस्ट, अमोस्ट, मोस्टली, ठीक है, या फिर द मोस्ट। चार मोस्ट के ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं ये सारे। अभी कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं वो हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को सेंटेंसेस देती हूँ, आप ट्राई करना। इट वॉज डैश ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा वंडरफुल मोमेंट था। तो अब आप बहुत आराम से बता दोगे इसमें क्या लगेगा, इजी बता दोगे। चलो ट्राई करते हैं और करते रहना। ही इज अ मोस्ट पॉपुलर न्यूज एंकर, या ही इज अ मोस्ट पॉपुलर न्यूज एंकर, या ही इज मोस्ट पॉपुलर न्यूज एंकर, ये आपको बताना है। चलिए, ये क्वेश्चंस हैं कुछ आपके सामने। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है, इट वॉज डैश वंडरफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। ये मेरी जिंदगी का सबसे वंडरफुल मोमेंट था। तो जो द मोस्ट होता है हमारा, वो तो हमें पता ही है, सबसे ज्यादा जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो हम द मोस्ट लगाते हैं, ये यूज हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि हमें डिफरेंस क्या है द मोस्ट और मोस्ट में। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। द मोस्ट कहाँ यूज होता है?
ये यूज होता है बिफोर एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले, टू शो दिखाने के लिए क्या, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव के पहले सुपरलेटिव डिग्री दिखाने के लिए ये यूज होता है सबसे पहले, द मोस्ट, ही इज डैश पॉपुलर न्यूज एंकर, वो डैश पॉपुलर न्यूज एंकर है, हम इसको कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर न्यूज एंकर है, कह सकते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं होती सुपरलेटिव डिग्री में, तो यहां पर भी कोई कंपैरिजन नहीं हो रही, तो द मोस्ट हम इसको कह सकते हैं, द मोस्ट पॉपुलर हम इसको कह सकते हैं, लेकिन हम इसको अ मोस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अ मोस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो एक काम करते हैं, Almost जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है वेरी, almost का मतलब होता है वेरी, और मोस्ट मतलब सबसे, मोस्ट मतलब ज्यादा, ये एडजेक्टिव के पहले नहीं आता है बिना एडजेक्टिव के, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वॉट शी वॉन्ट्स मोस्ट, वो सबसे ज्यादा क्या चाहती है मुझे नहीं पता, ये भी मोस्ट है, सबसे ज्यादा इसका सेंस है, पर ये कब आता है, इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आता, ये हमें ध्यान रखना है, यहां लिखते हैं, मोस्ट के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है, ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आता, अगर इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आता, अगर हमें द लिखाना है तो कब लगाना है, जब आगे एडजेक्टिव है, यहां पे भी सबसे ज्यादा इसका सेंस है ना, और यहां पर भी सबसे ज्यादा इसका सेंस है, तो क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव आ रहा है तो आप द मोस्ट लिख सकते हैं, एडजेक्टिव आ रहा है तो आप द मोस्ट लिख सकते हैं, एडजेक्टिव नहीं आ रहा तो आप मोस्ट लिखोगे, ठीक है, आप मोस्ट लिखोगे। नेक्स्ट वाला, माय फादर इज अ पर्सन, मेरे फादर एक ऐसे व्यक्ति जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, जिनको मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, तो वो ऐसे पर्सन है जिनको मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, तो सबसे ज्यादा तो आ रहा है लेकिन आगे एडजेक्टिव नहीं आ रहा, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, मोस्ट, क्या लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, इंग्लिश इज डैश इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इंग्लिश या तो हम लिख सकते हैं इंग्लिश इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेरी, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज्यादा, दोनों आ सकता है यहां पर, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है ना, दोनों आ सकता है, इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, द मोस्ट लिख दिया, इंग्लिश इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी है या नहीं है ये डिपेंड करता है, देख लो आप आराम से फिल कर सकते हो, दोनों आ सकता है इसमें। आई ट्रेवल, मैं ट्रेवल करती हूँ बाय कार ज्यादातर, अब इसमें आप सबसे ज्यादा का सेंस देखो, आई ट्रेवल ज्यादातर, सबसे ज्यादातर मैं ट्रेवल किससे करती हूँ, कार से, इन सेंस में मोस्टली, He mostly wears black. ज्यादातर वो black पहनता है, यही wears black mostly. ठीक है, ज्यादातर के लिए आप mostly का use करोगे।
ठीक है, अब देखिए, अब ना सारे, हाँ आई रीड इंग्लिश मोस्टली, तो मैं ज्यादातर इंग्लिश पढ़ता हूँ। ही ईट्स होम मेड फूड ओनली, तो ही मेड्स होम मेड फूड ओनली, तो वो सिर्फ होम मेड फूड खाती है। क्या खाता है? ही ईट्स होम मेड फूड मोस्टली, तो वो ज्यादातर होम मेड फूड खाता है, इस तरीके से। तो डिपेंड करता है, मैं अगले वाले पेज पे इसी के एग्जाम्पल्स थोड़े से और दे रही हूँ, आपको बस बताते जाना राइट है या रॉन्ग है। सॉरी, ये काम करिए, फिल करिए। करिए आप देखिए, ये चीज हमें पता है कि मोस्ट जो होता है ये इसके बाद मोस्ट, ये क्या हुआ, प्लस एनी अदर पार्ट ऑफ
speech, but not exact, not adjective. कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आ भी सकता है, अगर आए तो आ सकता है, पर एडजेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव अपने साथ द मोस्ट लेता है. ठीक है, माय फ्रेंड हैज बिग कार. बिग हमारा सुपरलेटिव नहीं है, है ना. अब यहाँ पे द मोस्ट का तो ऑप्शन खत्म हो गया है. द मोस्ट आता तो ये क्या लिखाया जाता, द मोस्ट बिगेस्ट, राइट, सुपरलेटिव डिग्री होता, अ मोस्ट बिग कार. अब इस अमोस्ट का मतलब क्या है, वेरी वेरी बिग कार, उसके पास बड़ी कार है. ठीक है, दूसरा दे सॉल्व, उन्होंने सॉल्व कर दिया. द मोस्ट डिफिकल्ट केस ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केस सॉल्व कर दिया उन्होंने, ये हो सकता है. अमोस्ट भी हो सकता है इसमें, अमोस्ट भी हो सकता है. क्यों, क्योंकि वेरी भी तो हो सकता है, उन्होंने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केस सॉल्व कर दिया, ये भी इसका आंसर हो सकता है. और उन्होंने वेरी डिफिकल्ट केस, बहुत डिफिकल्ट केस था, उन्होंने सॉल्व करते ही भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है इस वाले में. ठीक है, अमोस्ट, इसमें द मोस्ट नहीं हो सकता क्योंकि बिग लिख दिया है, ये ज्यादा सिलेबल वाला है तो इसमें बिगेस्ट वाला, ईएसटी वाला तो है नहीं, तो इसमें मोस्ट लग जाएगा. और यहाँ पर द मोस्ट अगर हम लगाएंगे तो बिगेस्ट नहीं लगता, तो क्या होता, द बिगेस्ट होना चाहिए था इस तरीके से, तो द मोस्ट यहाँ पर नहीं लगेगा. इट वॉज हैपनिंग डे, वो एक हैपनिंग डे था. अ मोस्ट हैपनिंग डे भी हो सकता है या द मोस्ट हैपनिंग डे भी हो सकता है, हो सकता है ना. वेरी हैपनिंग डे या सबसे ज्यादा हैपनिंग डे, दोनों हो सकता है. शी एंजॉयड डिलीशियस मैंगोज आई हैव एवर टेस्टेड, मैंने आज तक जो टेस्ट किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिलीशियस मैंगोज थे जो उसने टेस्ट किए. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आ गया, इसलिए सिर्फ आप द मोस्ट ही लगाओगे. अमोस्ट लगाते हो गलत हो जाएगा, अमोस्ट लगाते ही गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, शी इज टिपिकल एंड कंफ्यूजिंग एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय, वो कैसी एम्प्लॉय है, टिपिकल है और कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत अजीब तरीके की कंफ्यूजिंग सी महिला है या जो भी एम्प्लॉय है. तो मोस्ट भी हो सकता है सबसे ज्यादा, कि एम्प्लॉय में से सबसे ज्यादा, या इन आर ऑफिस, अगर इसमें आ जाता इन आर ऑफिस, हमारे ऑफिस में, तो आप बोल रहे हैं ऑफिस में से सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर आप सबसे प्रायोरिटी किसको दोगे, द मोस्ट को. अगर द मोस्ट नहीं है तब आप मोस्ट पे जाओगे, वैसे कि द मोस्ट का ही क्वेश्चन है. इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में, वी चूज लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन, हम लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन चुनते हैं मोस्टली, ज्यादातर. ज्यादातर, ठीक है, तो मोस्ट, अमोस्ट यानी वेरी, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, और सिर्फ अगर मोस्ट आ जाए, सिर्फ अगर मोस्ट आ जाए तो उसका मतलब भी सबसे ज्यादा होता है, जब बिना एडजेक्टिव के यूज करना हो तब यूज करते हैं. और मोस्टली का मतलब क्या होता है, मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर. कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ेंगे नहीं तो. Much, too, or too much. ठीक है, टू भी कर लेते हैं अलग से, चलो. बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो हर बार पढ़ लेते हो आप, मच टू प्लस पेन फुल. एग्जाम में आया था मच टू, इट वॉज मच टू विंडी, बहुत ज्यादा हवादार दिन था. मच टू स्केरी हाउस, ठीक है, ये है मच टू. अगर हम बात करें टू मच की, टू मच, तो टू मच क्या होता है, अपने साथ नाउन लेता है, टू मच पेन, टू मच, जैसे यहाँ पेनफुल था यहाँ पेन, टू मच विंड, बहुत ज्यादा हवा है भाई, टू मच पॉवर्टी,
क्या डिफरेंस हुआ मच टू और टू मच में? सिंपल, मच टू में आपको बढ़ाया था शायद मैंने कि टू जो होता है ये एडवर्ब होता है, ठीक है, और मच भी एडवर्ब ही होता है, तो इनके साथ में क्या आएगा, हमेशा एडजेक्टिव, नाउन नहीं आ सकता, ठीक है ना? पर ये जो मच होता है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और इसलिए यहां पर आएगा नाउन, और ये जो टू होगा इसको हटा दिया अभी, ये जो टू है ये हमेशा एडवर्ब ही होगा, ठीक है, लेकिन मच दोनों हो सकता है, टू हमेशा एडवर्ब ही होता है पर मच दोनों हो सकता है, ये मच भी एडवर्ब होगा और ये टू भी एडवर्ब होगा, इसलिए इसके साथ एडजेक्टिव, इसके साथ एडजेक्टिव नहीं रखता, ठीक है? तो मच टू के साथ हमेशा, मच टू के साथ हमेशा एडजेक्टिव आएगा और टू मच के साथ हमेशा नाउन आएगा, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आसानी से हो जाता है। आइए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आपको सिर्फ इसको करके बताना है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मीनिंग क्या होगा मच टू का भी आप बताना। अच्छा मच टू कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। अब मच टू क्या होता है, बहुत ज्यादा, और टू मच क्या होता है, बहुत ज्यादा। जब हमें एडजेक्टिव के लिए यूज करना है तो हम ये यूज करेंगे, और इसका मीनिंग कुछ ज्यादा ही, नेगेटिव सेंस में आता है टू मच, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सेंस में। ही वॉज मच टू कॉन्स्पिक्यूअस, वो मच टू कॉन्स्पिक्यूअस था। क्या फिल करेंगे, ठीक है।
फोर क्वेश्चंस। फाइव एक करा हुआ है, फोर आपके लिए। बस बहुत आराम से आप क्या देखोगे, ये देखोगे। ठीक है, मस्ट टू लगेगा यहाँ पे, तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है ना, डिटेल वी थ्री। फास्टिडियस पर्सन है ना, एडजेक्टिव है, आगे नाउन आ रहा है, तो नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है। ही वॉज टू मच या मच टू, क्या लगेगा अब यहाँ पे? मच टू लग सकता है आराम से। हाँ, एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए। वी न्यू दैट इट वॉज गोइंग टू बी टफ फॉर अस, तो मच टू आ जाएगा यहाँ पे भी। सेपरेशन फ्रॉम यू दैट डे वॉज मच टू अनबियरेबल फॉर मी, एडजेक्टिव के लिए हमेशा मच टू। ठीक है, एडजेक्टिव के लिए हमेशा मच टू, हमेशा। नेक्स्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है यहां पर, नन टू। ठीक है, और दूसरा है वेरी टू। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। नन टू इज इक्वल्स टू नॉट, नेगेटिव है तो नन यानी नॉट, वेरी वेरी टू यानी वेरी। सिंपल सा डिफरेंस है। इट इज नॉन टू गुड, नॉट वेरी गुड, इट इज वेरी टू गुड। ये वेरी टू गुड है यानी वेरी गुड है, नन टू गुड है यानी बहुत अच्छा नहीं है, एक बहुत अच्छा है एक बहुत अच्छा नहीं है, नन टू गुड और वेरी टू गुड। ठीक है, जहां जहां आपको वेरी लगाना है वहां वहां पर आप वेरी टू का यूज भी कर सकते हो, बहुत इजीली।